नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज के 15 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसमें पूरे दिन जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 75 क्वेश्चन हैं, उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए। बहुत मेहनत से हमने आपकी वीडियो बनाई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ से आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, अंत तक जरूर देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमेडी से रिलेटेड था। इस वर्ड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था, तो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, तो वहाँ पर ऑप्शन में ट्रेगरी आपका ट्रेगेडी आंसर दिया हुआ था, तो ये जिन स्टूडेंट्स ने लगाया उनका बिल्कुल सही था। रिकलेक्ट, देखिए रिकलेक्ट रिलेटेड कोई वर्ड था ये, यहाँ पर ही नहीं है। रिकलेक्ट, कलेक्ट मतलब कि किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, पुनः एकत्रित करना, उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड दिया हुआ था, वो आपसे पूछा गया था। प्लीजेंट, प्लीजेंट वर्ड है, इससे ये आपके करेक्ट स्पेल्ट वर्ड में पूछा गया था। उसके बाद देखिए जी की बीमा। अब देखिए आपका यहाँ से देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप इसे इधर करेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से आप अपनी जी की बीमा इजीली निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा वो किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। 1 HP एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 746 वॉट, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए जो आपके नए CM बने वो पूछे जा रहे हैं, CM ऑफ MP मध्य प्रदेश के जो CM है वो कौन है, तो कमलनाथ जी हैं जो मध्य प्रदेश के CM के रूप में, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शपथ ली थी, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिया। उसके बाद ब्यूटी से रिलेटेड कोई वर्ड था, ब्यूटी नाउन, इस तरह से कोई वर्ड आपसे पूछा गया था। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस π/2 से लेकर π/2, तो sin x का इजिली आप कर सकते हैं -cos x, और आप इसमें लिमिट है आप इसमें लगा दीजिए। उसके बाद इनर्सिया इज डिपेंड ऑन, तो इनर्सिया I इज इक्वल टू क्या होता है आपका MR², ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है MR², तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। सुंदरवन पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसके विजेता कौन रहे, तो रोजर फेडरर है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 के विजेता रहे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। d2y dx2 upon 10x, भाई कोई तो बता रहा था कि यहाँ पर आपका 10 2x था, कोई कह रहा था कि 10x था, तो कुछ भी हो एक बार इसका अवकलन कर दीजिए sec² x फिर से कर दीजिए, तो इजीली आप इसे कर पाओगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। एडमिट का सिनोनिम या कुछ ऐसा एंटोनिम पूछा गया था। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी जब अपन कोई गलती कर लेते हैं तो हम उसको एडमिट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो वही आपका एडमिट है, ये आपसे पूछा गया था। एक देखिए आपका होता है सेल्डम और एवर, इन तीनों का जोड़ा होता है, ये मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको कराया हुआ है, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिकल का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा गया था, तो फिकल वर्ड है जो इसका मीनिंग होता है अस्थिर, क्या होता है फ्रेंड्स इसका मतलब अस्थिर। उसके बाद देखिए ए प्लेस वेयर मैनी पीपल्स आर, यानी कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, तो देखिए एक तो इसका बेडरूम भी आप इसे बोल सकते हैं, उसमें कई व्यक्ति बोलते हैं, और भी इसके लिए कई वर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सुपीरियर इन्फीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर, और ये सभी वर्ड होते हैं जो इनके पीछे हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया cos inverse -1/2, ये क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के अंदर पूछा गया था। उसके बाद देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, उनसे आपकी कॉमन एरर पूछी जा रही थी, किससे पूछ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस से, तो ध्यान रख लेना कंडीशनल सेंटेंस से अच्छी जो आपकी कॉमन एरर है वो पूछी जा रही है। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे आज के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। देखिए फ्रेंड जो कल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी और जो आज का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी मैग्नेटिक से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार नज़र मार लीजिए, जिनका कल एग्जाम और परसों एग्जाम है, राइट।
उसके बाद देखिए साइन 30 माइनस कॉस 45। अब ये पता नहीं ये वाई ग्रुप वाले में पूछा गया, एक्स ग्रुप वाले में आई थिंक ये वाई ग्रुप वाले में पूछा गया होगा, तो इसमें आपको दोनों की वैल्यू रखनी है और इसको माइनस कर दीजिए। कैपलर्स लॉ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कैपलर का जो रूल है वो आपका टी स्क्वायर वाला सेकंड रूल है जो आपका, वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक आपका बोगीबिल सेतु है, यानी ब्रिज है बोगीबिल सेतु, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो असम के अंदर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए 4 sin² a इज इक्वल टू 3, ये आपको दिया हुआ है, तो sec थी a की वैल्यू आपसे पूछी है। अब ये हो सकता है y ग्रुप वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा हो सकता है, x ग्रुप वाले के अंदर भी पूछा हो सकता है। तापमापी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कार्नो इंजन की दक्षता को लेकर, और वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल नहीं है, ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। उसके बाद SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद तेल की बूंद पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से वो पानी पर तैरती है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। EMF से रिलेटेड भी आपसे एक क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर पूछा जा रहा है। Y इज इक्वल टू साइन 3x dy अपॉन dx आपको निकालना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो बिल्कुल इजी है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। पाई बाई 4 आप वैल्यू रख दीजिए dy बाई dx निकालने के बाद। उसके बाद देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 Cr कहाँ पर होगी, तो 12 Cr r के किस मान के लिए इसकी अधिकतम मान होगा, तो r का जब 6 आप रखोगे तो वहां पर इसकी वैल्यू है, वो आपको कैसी प्राप्त होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए 20 साइड वाले डायग्न वो है आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, उसमें बहुभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है, सॉरी 20 साइड वाला कोई भी आपको बहुभुज दिया हुआ है उसके अंदर डायगनल आपको बतानी है, तो ऐसा मैंने आपको करा रखा है NN-3 वाला कोई जो फॉर्मूला है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 3x-2y+6 और कोई पॉइंट है इसमें लंब समीकरण, तो लंब के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों के साइन को इंटरचेंज करते हैं पहली बात, तो दूसरे इनके जो हम क्या करते हैं इनका आपस में इनके कांस्टेंट है जो सॉरी कोफिशियंट है इनको बदल लेते हैं और उसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। विटामिन के से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब वो कुछ भी हो सकता है, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग भी हो सकते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बार बार हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए फर्स्ट यानी PQRS से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट मेटल जो कि मनुष्य द्वारा यूज में लिया गया था, तो तांबा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर से कोई स्टूडेंट्स बोल रहा था कि 0.64 आ रहा था, कोई बोल रहे थे 0.1 आ रहा था, इस तरह से पूछे जा रहे हैं। और यदि हम एक्स ग्रुप के लिए बात करूँ मैं, तो एक्स ग्रुप के लिए देखो, एक्स ग्रुप के लिए मान लीजिए 7+24 iota, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल सकता है। टॉप 500 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स की, उसकी सीरीज के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करा रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंट्रोल एक्स का यूज, इस तरह से क्वेश्चन है जो आपका कीवर्ड से पूछा जा रहा है। बिगेस्ट स्टार इन गैलेक्सी, तो कैनिस मेजोरिस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिगर्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वाई ग्रुप वाले एग्जाम में, राइट। उसके बाद LCM, LCM से रिलेटेड कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, और LCM से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स मिरर इमेज से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मिरर इमेज एक बार देख लेना। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स लो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लोहा की मात्रा शरीर में कुछ इस तरह से, आयरन की मात्रा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और HP यानी कि CM ऑफ HP, तो ये आपको देखना पड़ेगा एक बार, हो सकता है बेबी रानी मौर्य शायद, कन्फर्म नहीं है मुझे, देख लेना एक बार इसे, ठीक है। अबेंडन का सिनोनिम, अबेंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ना, त्यागना, रिनाउंस करना, राइट।
चीफ इलेक्शन कमीशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रंक रोड, तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, तो इंग्लैंड एंड वेल्स के द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। नो सूनर डिड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपके इंग्लिश के अंदर वो पूछा गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी, ये आपसे पूछे गए। एज प्रॉब्लम से आपके क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 m, इससे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। माइक्रोवेव की रेंज आपसे पूछी गई है। आवेश का मात्रक पूछा गया है। मंगोलिया की कैपिटल पूछी गई है। UNO की स्थापना, ये क्वेश्चन एक पूछा गया। भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है आज आपके पूरे दिन पूछे गए। तो इसी तरह से आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।